भैरवी हिंदुओं की एक देवी हैं, जो दशमहा विद्याओं में से एक मानी गई हैं। कुछ ग्रंथों में वह त्रिमूर्ति से भी श्रेष्ठतर कही जाती हैं। वह माता पार्वती की अवतार और भगवान शिव के भैरवनाथ अवतार की शक्ति या पत्नी मानी गई हैं। शक्ति पुराण में काल को नियंत्रित करने वाली को ही भैरवी माना गया है, और माँ काली भी काल को नियंत्रित करती हैं, तो दोनों ही एक हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काली तो माँ है तो लगे साधना करने। किसी भी साधना से पहले उसके नियमों को जानना अति आवश्यक होता है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद माँ मनचाहा वरदान देती हैं, और ऐसा साधक ब्रह्मांड का झाता और त्रिकालदर्शी हो जाता है। भैरवी साधना में भैरवी माता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह साधना भयानक और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, जिसे माहिष्मर्दिनी भी कहा जाता है। इस साधना के द्वारा प्रयास किया जाता है कि आप भैरवी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ताकि आपको भैरवी माता का रक्षा और बहुतायत मिल सके। साधना के लिए आपको भैरवी की मूर्ति या छद्म यंत्र को ध्यान में रखकर मंत्र जाप करना होता है। माता भैरवी का मूल मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्लीं ह्लीं भैरवी फट। आप इस मंत्र को एक माला पर 1008 बार जाप करें। आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। संध्या काल में साधना करने से अधिक फलदायी माना जाता है। हम अन्य मंत्र भी सुविधा हेतु दे रहे हैं। 1. ओम ह्रीं क्षौं हूं फट स्वाहा। 2. ओम ह्रीं अष्टादशाक्षरी स्वाहा। 3. ओम ह्रीं ग्लौं हूं भैरवी फट स्वाहा। 4. ओम ह्रीं क्षौं ह्रीं फट स्वाहा। 5. ओम ह्रीं ग्लौं ह्रीं फट स्वाहा। 6. ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं फट स्वाहा। 7. ओम ह्रीं ग्लौं क्षौं ह्रीं फट स्वाहा। 8. ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं ह्रीं फट स्वाहा। 9. ओम ह्रीं क्षौं क्लीं ह्रीं फट स्वाहा। 10. ओम ह्रीं ग्लौं क्षौं ह्रीं फट स्वाहा। साधना के दौरान ध्यान में रखें कि आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। आपको साधना के समय भैरवी माता दिखाई दे सकती है, जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगी। साधक को चाहिए कि मंत्र जाप के साथ साथ वो संपूर्ण ध्यान करे माता भैरवी का। साधना की प्रारंभिक अवधि में आपको एक श्री राम रक्षा यंत्र बनाकर रखना चाहिए, जहां आप अनुचित शक्तियों के प्रभाव से बच सकते हैं। एकांत में विश्राम करने के बाद आपको माला ले लेनी चाहिए और पूरे मन से मंगल ज्योति के सामरिक अभिप्रेत स्वरूप को सामरिक आवेश में ध्यान में रखें। साधना का उद्देश्य भैरवी माता की कृपा प्राप्त करना है, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। यह साधना सभी के लिए नहीं होती है, और इसे केवल अनुभवी साधक ही करने चाहिए। इसलिए इस साधना को करने से पहले आपको अपने गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।